सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मुरादाबाद रेलवे स्टेशन भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले में अवस्थित है और मुरादाबाद शहर को सर्व करता है, जो इसके पीतल के बर्तन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से सिर्फ 157 किलोमीटर यानी 98 मील की दूरी पर अवस्थित है। मुरादाबाद में उत्तर रेलवे का मंडल मुख्यालय भी है। राजधानी, शताब्दी, गरीब रथ एक्सप्रेस, डबल डेकर एक्सप्रेस और कई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें मुरादाबाद जंक्शन से होकर गुजरती हैं और यहां पर रुकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आज आपके साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जंक्शन की कुछ रोचक जानकारियां शेयर करूंगा, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुरादाबाद रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के नॉर्थर्न रेलवे जोन के मुरादाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है। कुल 7 प्लेटफॉर्मों वाले इस रेलवे स्टेशन में कुल ट्रैकों की संख्या 11 है। सन 1873 में खोले गए इस रेलवे स्टेशन का विद्युतीकरण सन 2012 में किया गया था। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड MB है। दोस्तों, मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के प्रमुख लाइनों में लखनऊ मुरादाबाद लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, दिल्ली मुरादाबाद लाइन, चंदौसी लूप, मुरादाबाद अलीगढ़ लाइन और रामनगर मुरादाबाद लाइन आदि शुमार है। दोस्तों, मुरादाबाद रेलवे स्टेशन ए श्रेणी का रेलवे स्टेशन है। इसमें एक पर्यटक सूचना केंद्र, डाकघर, टेलीग्राफ कार्यालय, सामान्य रेलवे पुलिस कार्यालय, कंप्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर, विश्राम कक्ष, शाकाहारी और मांसाहारी जलपान कक्ष, चाय की दुकान और किताबों की दुकान मौजूद है। इसके साथ ही साथ इसमें तत्काल सीट बुकिंग काउंटर भी है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन में मौजूद इतनी सारी सुविधाओं के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, बात अगर ट्रैफिक की करें तो मैं आपको बता दूं कि मुरादाबाद भारतीय रेलवे के शीर्ष 100 बुकिंग स्टेशनों में से एक है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा बुकिंग वाले रेलवे स्टेशनों में से एक है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से रोजाना तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा पैसेंजर्स आवाजाही करते हैं। वहीं ट्रेनों के परिचालन के बारे में आपको बता दें कि मुरादाबाद रेलवे स्टेशन में लगभग 298 ट्रेनें रुकती हैं, जबकि 27 ट्रेनें यहां से खुलती हैं और 27 ट्रेनें ऐसी हैं जिनका कि यहां पर लास्ट स्टॉपेज है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन में रुकने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनों में अवध असम एक्सप्रेस, पद्मावत एक्सप्रेस, लखनऊ मेल, देहरादून वाराणसी एक्सप्रेस, बरेली दिल्ली एक्सप्रेस, लखनऊ चारबाग चंडीगढ़ एक्सप्रेस, देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस, संगम एक्सप्रेस, रामनगर पुरानी दिल्ली लिंक एक्सप्रेस, नौचंडी एक्सप्रेस, खुर्जा प्रयागराज लिंक एक्सप्रेस, रामनगर वाराणसी एक्सप्रेस, दून एक्सप्रेस, अमृतसर मेल, गंगा सतलज एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस, सियालदा एक्सप्रेस, दिल्ली अयोध्या एक्सप्रेस, राज्य रानी एक्सप्रेस, बेगमपुरा एक्सप्रेस, सत्याग्रह एक्सप्रेस, रानीखेत एक्सप्रेस, कॉर्बेट लिंक आदि शामिल हैं। दोस्तों, मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के आसपास रुकने के लिए कई सारे होटल्स हैं, जिनमें मुख्य रूप से होटल अजंता 460 मीटर, होटल प्रतीक्षा 640 मीटर, रस्तोगी गेस्ट हाउस 370 मीटर, होटल गुंबर 470 मीटर, होटल अरुणिया पैलेस 880 मीटर, ओमा रेस्ट हाउस 850 मीटर, होटल रमा पैलेस 860 मीटर, इट
इफ्को ग्रुप होटल पैराडाइज 880 मीटर, होटल मधुर 470 मीटर, न्यू महाराजा होटल 590 मीटर, होटल पार्क स्क्वायर 2 किलोमीटर, होटल साई पैलेस 620 मीटर आदि शुमार है। दोस्तों, अगर आप मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के आसपास रुके हैं और आपके पास है खाली समय, तो आप साई मंदिर, प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रेलवे पार्क, ब्रह्म कुमारीज पार्क, गुरुद्वारा काशीराम पार्क आदि स्थानों पर घूमने हेतु जा सकते हैं। दोस्तों, मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से मुरादाबाद रोडवेज बस स्टैंड की दूरी मात्र 700 मीटर की है, जहां तक आप ऑटो, ई रिक्शा और पैदल ही पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का सबसे नज़दीकी घरेलू हवाई अड्डा पंत नगर हवाई अड्डा है। मुरादाबाद को 5 लाइन वाला जंक्शन होने के कारण इंटरचेंज स्टेशन भी कहा जाता है। मुरादाबाद में कई यात्री ट्रेनें बदलते हैं, क्योंकि विभिन्न गंतव्यों के लिए यहां से बहुत सारी ट्रेनें उपलब्ध हैं। विद्युतीकरण के बाद दिल्ली मुरादाबाद रेलवे लाइन ने इस मार्ग को दिल्ली कानपुर मुगल सराय ग्रैंड कॉर्ड रूट का विकल्प बनाने की योजना बनाई है, जो पर्यटक रामनगर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, अल्मोड़ा और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के अन्य हिस्सों में जाना चाहते हैं, उनके लिए मुरादाबाद एक पसंदीदा विकल्प है, क्योंकि ये निकटतम स्टेशन है जो कुमाऊं क्षेत्र से ट्रेन के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें और अगली वीडियो आप किस जगह या किस शहर के देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे YouTube चैनल संजीव मिश्रा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस चैनल पर भी आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी करना चाहते हैं अपने कपड़ों के खुद का बिजनेस, तो यही वो समय है जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप दिव्या टेक्सटाइल से बिल्कुल फैक्ट्री रेट पर कपड़े मंगाकर अपने खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दिव्या टेक्सटाइल में लगभग 200 से भी ज़्यादा वैरायटी के कपड़े बिल्कुल फैक्ट्री रेट पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, देरी किस बात की है, फटाफट कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर संपर्क करके आप भी घर बैठे दिव्या टेक्सटाइल से 200 से भी ज़्यादा वैरायटी के कपड़े ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए और इतनी तत्परता से हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।